अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। आप आम जनताओं को देने वाली सुविधाओं के बारे में कुछ जानकारी दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से। जी, सबसे पहले तो आज ईद का मुबारक दिन है। मैं बलरामपुर के सभी नगरवासियों को तहे दिल से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं सब लोग गुब्जो किना मिटा के एक दूसरे से गले मिली और ईद मिलाई। बलरामपुर की सभ्यता भी यही रही है, गंगा जमुनी जी, क्योंकि ये धरती प्रेम की धरती है। नानक ईश्वर चंद नानक, बेकल शाही, अली सरदार जाफरी, बड़े नामों गोंडा डिस्ट्रिक्ट में जब ये आया था असगर गोंडवी जैसी नामवर हस्ती यहाँ से गुजरी है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति का बहुत के बहुत जीते जागते मिसाल है। जी जी। और मैं चाहता हूँ, मैं ये सोच के नगर पालिका में उतरा हूँ। माननीय केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, संजय भैया ने भरोसा किया और आम आदमी पार्टी से मुझे टिकट दिया। कैसे मुझे आप जैसे कैंडिडेट की ज़रूरत है जो साफ सुथरे पढ़े लिखे छवि के हों। और मैं अपनी जनता से वादा करता हूं कि जो दुर्दशा नगर पालिका परिषद बलरामपुर की है, ना कोई सफाई का इंतज़ाम है यहां, ना नालियों की सफाई होती है, जगह जगह कूड़े लगे रहते हैं, सड़क और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है। अभी देखिए आप चले जाइए, जो पाइप लाइन बिछाया गया उसको खोद दिया गया तो उसको ढंग से पाटा तक नहीं गया। हाँ, पता ही नहीं हुई है। और जगह जगह तालाबों को पाट के जहाँ पानी जमा होता था, और अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी तो ये तालाब फट गए हैं, इसके कारण पानी हमारे घरों में घुस रहा। तो ये सब है, इस पे आवाज़ उठाना है, शिक्षा और चिकित्सा को लेके चलना है। जो आम आदमी की बेसिक ज़रूरत है उसको हम फुलफिल करने की कोशिश करेंगे नगर पालिका परिषद की तरफ से। बच्चों के लिए नगर पालिका के अंडर में जो विद्यालय आते हैं उनको हम बेहतरीन मॉडल स्कूल की शक्ल में देंगे, बेहतरीन मॉडल स्कूल में परिवर्तित कर देंगे, इसका बुरा हाल है। फ्री मैरिज हॉल की व्यवस्था हम नगर पालिका की तरफ से करेंगे। आप चले जाइए मुबारकपुर में और जगह पर बेहतरीन इंतज़ाम है मैरिज हॉल का। जो देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।